I'm Muzaffar Alam Siddiqui, IG Prison Sin. I'm very happy to be part of concluding this session of this training for the trainers arranged by UNODC, and this is a persistent effort of our partners UNODC, who are in order to add into the capacities and capabilities of the prison officers. They are doing a lot. So today's 3 days training program, I hope and I'm looking forward that it would be proving very successful, and the participants of the prison department especially are lucky enough to be part of this training session, and I would look forward that similar type of sessions are arranged for prison officers for the betterment and better administration and improvement of the capacities and capacity building of the prison officers. मैं TOT कर चुका हूँ 2013 में, और that was basically meant for prison officer. और अभी जो एक joint इन्होंने UNODC ने training start करी, training of trainers कराई है for prisons, prosecution and police staff. तो joint training करने से ये हुआ कि तमाम जो department हैं, तीनों जो line department हैं, उनके perspective सामने आए, एक problems वो हमने एक दूसरे की समझने की कोशिश करी है, और हम जब ये जो training कुछ course किया है अभी, ये course करने के बाद जब हम जाएंगे और अपनी जहाँ जहाँ पर भी हमें फील्ड में रिक्वायरमेंट होगी और इसके हवाले से जो डिज़ाइन करना है, कोर्सेज डिज़ाइन करने हैं, लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है, तो वो एक हेल्पफुल साबित होगी. यूनिवर्सिटी को इस तरह के प्रोग्राम करते रहना चाहिए, और क्योंकि यही ट्रेनिंग ही एक ऐसा एस्पेक्ट है जो इंसान को रिफॉर्म करता है, हमें रिफॉर्म करता है काफ़ी चीज़ों. अब जो प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में काफ़ी हम वो बिल्कुल हम एक ये समझे कि जंग लग जाता है काफ़ी, तो एक रिफ्रेशर एक कोर्स की ज़रूरत होती है, और इस तरह के जब कोर्स होते हैं तो वो एक फ़ायदेमंद बनते हैं. बड़ा ये कि जो ट्रेनिंग हमारी अपॉइंटमेंट के बाद नहीं हुई है, वो उससे हमें जो की पॉइंट्स मिले हैं उससे हमें अपने अंदर जो खामियां हैं उनका पता चलता है. दूसरी बात यह है कि इस तरह के प्रोग्राम से जो लैकोनाज आते हैं किसी भी ट्रेनी को उसके डिपार्टमेंट में, उसको ओवरकम करने में बड़ा फ़ायदा मिलता है, और फिर सेल्फ एनालिसिस के ज़रिए हमें पता चलता है कि जो खामियां हम में हैं, हम आगे जाके जो लोगों को, अपने न्यू कमर्स को, जो दूसरे लोग आए हैं यहाँ दूसरे डिपार्टमेंट से जैसे पुलिस से, प्रिजन से, उनको अपनी ट्रेनी को सिखाने में बहुत मदद मिलती है. तो UNODC को मैं थैंक्स भी कहूँगा इस लिहाज से कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा ये इवेंट जो है वो किया है, इस हवाले से न सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट बल्कि प्रोसिक्यूशन और प्रिजन डिपार्टमेंट के लोग भी इसमें, यहाँ पे उनके ऑफिसर्स भी शरीक हुए हैं, तो सबके लिए हमारा एक कंबाइंड जो वेंचर है ये बड़ा फ्रूटफुल रहेगा, और इंशाल्लाह हमारा जो कोलैबोरेशन है, हमारा एक साथ जो लिंक है वो मज़ीद बेहतर होगा. इस लिहाज से मैं अगेन थैंक यू कहना चाहूँगा UNODC को, और इन फ्यूचर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि UNODC ऐसे प्रोग्राम्स करता रहेगा. ये हमारे लिए और सब ट्रेनर्स के लिए बहुत अच्छा होगा.